प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी के मॉल रोड में बीती रात करीब 3:45 बजे उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मॉल रोड स्थित 5 दुकानों में लगी आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। जब इस बात की सूचना अग्निशमन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन को दी गई, साथ ही एयरफोर्स स्टेशन डलहौजी का अग्निशमन दल भी आग को नियंत्रण पाने के लिए जुट गया। आग ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया था, लेकिन अग्निशमन दस्तों एवं स्थानीय लोगों की पुरजोर कोशिश से आग पर काबू पाया जा सका। गौर रहे कि जली हुई इन 5 दुकानों के नीचे निजी होटल के कमरे थे जहां सैलानी ठहरे हुए थे, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा उचित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। अगर समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो आग पूरे बाजार को और साथ लगते होटल एवं घरों को अपना निशाना बना सकती थी। जिन दुकानदारों की दुकानें जली हैं उनमें खादी भंडार की इंद्रवीर सिंह, अश्विनी गुप्ता, मीनू चौहान एवं विनय महाजन की दुकान शामिल है। इसके साथ ही एक रेहड़ी एवं मोटरसाइकिल भी आग की चपेट में आ गया है। दुकानों में लगी आग का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है, परंतु आग लगने से हुआ नुकसान करोड़ों में आका जा रहा है। वहीं स्थानीय उपमंडल अधिकारी जगन ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानों में लगी आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है तथा सभी दुकानदारों को फौरी राहत के तौर पर 20,000 रुपए दे दिए गए हैं। इसके साथ ही आग किन कारणों से लगी है उसकी भी जांच की जा रही है। डलहौजी मॉल रोड पर दुकानें काफी संकरी हैं। समय रहते आग पर काबू न पाया गया होता तो जानी माल से हुए नुकसान की तस्वीरें कुछ और ही बोलती। जी पी ओ डलहौजी में दुर्भाग्यवश रात को करीब 3:30 बजे जो आग लगी है उसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो इसका कारण है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो है इसका कारण है। और तुरंत जो है वो फायर टेंडर बनीखेत से मूव किए गए, बड़ा और छोटा, और साथ में एयरफोर्स स्टेशन से जो है वो फायर टेंडर यहाँ पे मूव किया गया। और हमारे जो फायर हाइड्रेंट है उसने भी काफ़ी इसमें आग को बुझाने में मदद की है, तो आग को जो है वो काबू कर लिया गया था। और 5 दुकानें जो हैं वो जलकर राख हुई हैं, उसमें तहसीलदार साहब, एमसी के ईओ मैडम जो है वो फौरी राहत के तौर पर जो है 20,000 रुपया जो है सभी को हम इमीडिएटली जो है वो इमीडिएट लीव के तौर पे दे रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए डलहौजी से मुकेश कुमार गोल्डी की रिपोर्ट।